से नवरात्र हुआ प्रारंभ। नौ दुर्गा में प्रथम माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री शक्ति की देवी। माँ शैलपुत्री देती है मन चाहा वरदान। माँ दुर्गा आदि भक्ति है, आदि अनंत है, सर्वशक्तिमान है। माँ की महिमा पूरे जग में विख्यात है। माँ अपने निर्मल प्रेम की गंगा में सभी भक्तों को मोहित कर देती है। आज है नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि पूजन के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ सवार शैलपुत्री माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। मान्यता है कि शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी सती थी। राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ आयोजित यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। इसे पति का अपमान मानकर सती अपने पिता से शिकायत करने गई, लेकिन दक्ष ने उनके सामने भी शिवजी को भला बुरा कहा और माँ सती पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ की अग्नि में प्राणाहुति दे दी। अगले जन्म में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर भगवान शिव से शादी की। इस जन्म में इन्हें हेमवती भी कहा गया। कहते हैं कि भगवान शिव को भी शक्ति देवी पार्वती से ही मिलती है। शिव के घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री को सभी जीव जंतुओं की रक्षक माना जाता है। नौ दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। माँ शैलपुत्री की महिमा और भी निराली है। आज से नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को आसानी से प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। वंदे वाच्छात लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। शैलपुत्री माँ अपने भक्तों का कल्याण करती है और हमेशा खुश रखती है। माँ शैलपुत्री के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। माँ अपने भक्तों पर सदैव आशीर्वाद की वर्षा करती है और भक्तों के जीवन को संवार देती है। प्रोग्रामिंग डेस्क एमवी नेटवर्क।